टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पर एक स्थानीय प्राइवेट होटल में मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे से जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें जिले के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से यह प्रेस वार्ता कांग्रेस के नए अध्यक्षों की घोषणा को लेकर की गई थी, जिसमें नवीन साहू को जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की यादव को कमान सौंपी गई है। इसी मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव एक रही है और आगे भी एकजुटता के साथ काम करेगी। पार्टी प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व पूरे दमखम के साथ निभाएगी। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने कहा कि मुझे पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है, मैं उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे निभाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर जिले भर के कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी मौजूद थे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इसी के संदर्भ में हम आप लोगों के बीच में आए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी, इसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन भी किया जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्ट शासन से लड़ाई भी लड़ी जाएगी और ये दोनों जो चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं, इसमें रिजल्ट भी दिखाई दिएगा। आप लोगों का आने वाले जिला पंचायत चुनाव है और नगर पालिका का चुनाव है, जनता के पास क्या मुद्दे लेके जाओगे आप? आज जनता परेशान है, आज महंगाई, आप सोचिए, आप आम जन परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आप तो ये बताइए कि खुश कौन है? जैसा कि आज आप लोगों का कांग्रेस पार्टी का एक गुट देखने को मिला, आगे भी गुट कोई गुट नहीं है, केवल कांग्रेस है, कोई गुट नहीं है। जो आपने ये कही पत्रकार जी, एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।